कि आज हम मौजूद हैं ड्राइविंग लाइसेंसिंग एंड टेस्टिंग सेंटर DHL लाहौर में, जहां पर एक टेस्ट मुतारिफ करवाया गया है ई साइन टेस्ट के नाम से। मैं पहले भी फेल हुआ, 2019 का फंसा हुआ, लेकिन इस बार आसान है, इसलिए इस बार पास हो गया। पहले होता था कि कोई आता था, बोलता था मुझसे, जल्दी जल्दी में पूछा, जो मैं कन्फ्यूज़ हो गया, लेकिन अब उसके सामने सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो अपने बिहाफ पे टाइम के सोच समझ के सवालों के जवाब दे सकता है। मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली है, मेरा टाइम पे टेस्ट हुआ है, ऑनलाइन मैंने सारा भरा है, 30 सेकंड उसमें लगे हैं। टेस्ट तो बहुत आसान था, मैं यानी कि मैंने आज ही तैयारी की है, और ये MCQ बेस्ड टेस्ट है, 120 सेकंड का होता है। जो पास करता है उसका हम ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं बाहर, और जो फेल करता है उसको भी गिव टाइम एज पर द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 42 डेज का, कि वो दोबारा आके टेस्ट लें। तो इसमें यह है कि हमने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया है, और इसके अंदर सिस्टम रैंडमली क्वेश्चंस पूछता है, एंड वी हैव केप्ट इट वेरी इजी, हमने 50% पासिंग रखी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुबैर शारिक, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं ड्राइविंग लाइसेंसिंग एंड टेस्टिंग सेंटर DHL लाहौर में, जहां पर एक टेस्ट मुतारिफ करवाया गया है ई साइन टेस्ट के नाम से। ये टेस्ट कैसे काम करता है और आवाम के लिए कितना मददगार साबित होगा, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिजिटाइज्ड लाइसेंसिंग सेंटर DHL लाहौर में इरफान साहब, जो यहाँ के इंचार्ज हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि जो शख्स यहाँ आते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं ई साइन टेस्ट देने के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए, उनको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया अपना। आप मुझे ये बताइए कि जो शख्स यहाँ पहले आया है, अभी एंटर ही हुआ है टेस्ट देने के लिए, उसको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, पहला स्टेप क्या है, ये बयान कीजिए। थैंक यू। पहले तो आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कवरेज दी, बहुत शुक्रिया, ताकि आवाम को पता लग सके कि लाहौर में एक नए सेंटर का आगाज़ हुआ है, बहुत शुक्रिया, जहाँ पर हमने कोशिश की है ट्रांसपेरेंसी के लिए, और सारा सिस्टम डिजिटलाइज किया हमने, स्पेशली साइन टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी कैंडिडेट आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिसेप्शन पे आता है, वो हमारे पास लर्नर की फैसिलिटी है, रिन्यूअल की, डुप्लीकेट, इंटरनेशनल की, और हमारा ड्राइविंग ये टेस्टिंग सेंटर भी है DHL, ठीक है। रिसेप्शन से उसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें पूरी हैं, तो वो टोकन लेता है, पहले सबसे पहले वो टोकन लेगा अपने रिक्वायर्ड का। और हमारे टोकन में हमने दो चीज़ें इस बार मजीद ऐड की हैं, एक सीनियर सिटीज़न और लेडीज़, उनको हमने प्रायोरिटी पे रखा है, जी जी, ठीक है, उनके भी हमारे कैटेगरी, सबसे पहले टोकन लेंगे वो, उसके बाद अब जो उन्हें सर्विसेज लेनी है इंटरनेशनल डुप्लीकेट की, उस काउंटर पे चले जाएंगे वो, ठीक है जी। उसके बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट्स में बेसिक चीज़ें क्या हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह, हाँ, इस तरह की चीज़ें, ये बताइए। बिल्कुल जी, रिक्वायरमेंट के लिए आपका लर्नर जो है वो वैलिड होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और अगर लर्नर के लिए हमें फोटोग्राफ्स की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने अपना एक्सपायर लर्नर लेके आना है, और हमारे पास पोस्ट ऑफिस वाले मेंबर मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे टिकट लगती है, आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है लर्निंग का, सही, ठीक है जी। ड्राइविंग टेस्ट के लिए हमारा ये है कि उसमें 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, एक तो आपके पास वैलिड लर्नर होना चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की, और हमारे एक स्लिप HPL मैंडेटरी की स्लिप जमा होती है, ये चीज़ें पूरी हैं आपकी और आपका लाइसेंस वैलिड है, तो आप जो ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं आफ्टर 42 डेज। अगर आपका लर्नर 42 डेज हो चुका है, मेच्योर हो चुका है, तो 42 दिन के बाद आप हमारे सेंटर आ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। फिर आप उसका टोकन जैसे ही आप निकालेंगे ड्राइविंग टेस्ट का, सबसे पहला उसका मरला ये है कि ई टेस्ट होता है हमारा, साइन टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने कहा डिजिटलाइज टेस्ट। उसमें ये है कि कंप्यूटर रेंडमली खुद ही तकरीबन उसमें 210-215 रोड साइंस हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी के भी हैं और दूसरे भी हैं, रैंडमली कंप्यूटर जनरेट करता है, सही, ठीक है जी। आपका आईडी कार्ड नंबर एंटर होगा, सही, हमारी सेंसी के लिए एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद होंगे, वो आपको बताएंगे कि उसमें 120 सेकंड्स का टाइम है, 120 मिनट में 10 क्वेश्चंस आएंगे, 120 सेकंड्स में जी, 120 सेकंड्स में 2 मिनट बनते हैं जी जी, उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे जी जी, वो आपने टच स्क्रीन के थ्रू ऑप्शनल होंगे, वो 3 ऑप्शंस आएंगे आपके, वो आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद 2 मिनट के बाद एक स्लिप निकलेगी, जो आपका रिजल्ट आएगा वो जनरेट हो जाएगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। ये इस वक्त लाहौर में हमारा फर्स्ट टाइम हुआ है कि, और ये जो है ये सहूलत जो है वो सिर्फ इधर DHL लाहौर में है या और भी कहीं सेंटर में? जी जी, अभी इनिशियली यहाँ स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी वर्किंग हमारी चल रही है, जो बाकी हमारे टेस्टिंग सेंटर है वहाँ पे भी
प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह वहाँ भी जल्दी बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये चीज़ जो है वो आवाम के लिए एक बड़ी खुशाइन है और ये बड़ी उनको सहूलत हो जाएगी कि जो उनको धक्कों में लगना पड़ता था और लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था और वो सामने बोर्ड पे देख कर जो है साइन बताने पड़ते थे, इन तमाम चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल अच्छा, टाइम की बचत भी होगी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिटी लाहौर सैयद हमाद आबिद साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि ये सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। ये जो हमारा सिस्टम बेस्ड टेस्ट जो शुरू हुआ है, हमें बैक एंड सर्विसेज पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड दे रहा है और जो हमारा ये जो ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके साथ ये लिंक्ड है और इसके खूबसूरती ये है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज के लिहाज से हमने इसको किया है, जैसे मोटरसाइकिल्स का है, कार्स का स्मॉल कैटेगरी है, फिर LTV एंड HTV एंड कमर्शियल का अलहदा पूल ऑफ क्वेश्चंस है अंडर द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, उनको साइन टेस्ट पहले पास करने होते हैं। तो यहाँ पे पहले जो मैनुअल टेस्ट लिए जाते थे तो लोगों को कंप्लेंट आती थी, किसी से आसान सवाल पूछ लिया, किसी से मुश्किल पूछ लिया, कोई फेवरेटिज्म हो गई। तो इसमें यह है कि हमने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया है और इसके अंदर सिस्टम रैंडमली क्वेश्चंस पूछता है एंड वी हैव केप्ट इट वेरी ईजी। हमने 50% पासिंग रखी है और हम लोग ज़्यादा ड्राइविंग टेस्ट पे फोकस करते हैं कि बिकॉज हमने लाइसेंस टू ड्राइव देना है, लोगों को लाइसेंस टू किल नहीं देना, तो ड्राइविंग टेस्ट पे जो फिज़िकल ड्राइविंग है उसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा होता है और टेस्ट सिस्टम लेता है और पास या फेल करता है। जो पास करता है उसका हम ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं बाहर और जो फेल करता है उसको भी गिव टाइम एज़ पर द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 42 डेज़ का कि वो दोबारा आके टेस्ट ले। तो बहुत अच्छा सेंटर है, आपने देखा यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, अच्छा माहौल अवेलेबल है, ट्रेंड हमारा स्टाफ है, हमारी TVCs चल रही हैं, ट्यूटोरियल्स जिससे लोगों को आगाही दे रहे हैं रोड साइंस के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में। तो एक अच्छी कोशिश है और IG साहब ने अहकाम दिए हैं कि इन्हीं लाइन्स के ऊपर बाकी भी पंजाब में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पर भी सिस्टम बेस्ड ऑनलाइन टेस्टिंग का आगाज़ किया जाए। जो नहीं जानता उसी के लिए पहले आगाही हम वीडियोज़ वगैरह उनको दिखाते हैं, उसके बाद अंदर सिस्टम में प्रोविज़न है कि वो उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करे या इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करे, और उर्दू सेलेक्ट करता है तो साथ वॉइस ओवर भी है, तो वो सिस्टम बताता है कि ये रोड साइंस हैं, आप इसमें से क्लिक करें, अभी नेक्स्ट का बटन दबाएं, वो हर चीज़ वो बताता है। हमारा बंदा भी असिस्ट करने के लिए ही इज़ ऑन ग्राउंड मौजूद होता है, तो हम भी उनको असिस्ट करते हैं कि उन्होंने कैसे ऑपरेट करना है। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, सिस्टम बेस्ड टच स्क्रीन्स हैं जिसके ऊपर वो टेस्ट दे सकता है। 3 हमारे सेंटर्स हैं यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, अभी वेरी सून बाकी 2 हमारे लाहौर के सेंटर्स हैं, अरफा करीम एंड मनावा, वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला इसको हम बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। IG साहब ने इसके अहकाम भी दे दिए हैं और हमारा बहरिया में भी एक टेस्टिंग सेंटर इस्टेब्लिश हो गया, ऑलमोस्ट आप समझे कि 95% थिंग्स आर कम्प्लीट और बहुत सून वहाँ पर हम अभी सेकेंड जो सेंटर हमारा ई टेस्टिंग का स्टार्ट होगा दैट विल बी बहरिया टाउन, और उसके बाद फिर बाकी मनावा और अरफा में भी साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अभी आप ये टेस्ट देकर आए हैं, ये बताएं ये टेस्ट जो है वो कितना आसान था और आने वाले वक्त में कितनी आसानियां पैदा करेगा लोगों के लिए। टेस्ट तो बहुत आसान था, मैं यानी कि मैंने आज ही तैयारी की है और ये MCU बेस्ड टेस्ट है, 120 सेकंड्स का होता है। आपको आसानी हुई है, मतलब कि कोई परेशानी नहीं आई, और कभी कोई पहले इससे पहले आपने कोई टेस्ट दिया हो उसमें कोई मुश्किल पेश आई हो, जो आप अगर इसको कंपेयर करें इन 2 टेस्टों को एक साथ, तो आप कुछ निकाल सकते हैं कंपैरिजन कि ये ज़्यादा बेहतर था या पहले वाले टेस्ट थे वो ज़्यादा बेहतर थे? बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा है। मैं पहले जब गया था तो मुझे उन्होंने पहली बारी में फेल कर दिया था, यानी कि उन्होंने मुझे, यानी कि मैं बाहर से अंदर आऊँ ना धूप में तो मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था खास, लेकिन यहाँ पर तो बहुत अच्छा सिस्टम बनाया इन लोगों ने, बहुत अच्छा, यानी कि मेरे लिए आसानी हो गई, मैंने टेस्ट फौरन पास भी कर लिया। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपको लगता है कि यहाँ कोई फेवरेटिज्म किसी किस्म का हो सकता है? नहीं, आपको बिल्कुल ईमानदारी में साथ हुई, बिल्कुल ईमानदारी से हुई है और आपने बिल्कुल अपना जो है आपको आपका मुकम्मल टाइम दिया गया है और उस टाइम में आपने अपना टेस्ट मुकम्मल किया। बल्कि ये तो बहुत जल्दी हो गया, मैं मुझे तो लाइन में सुबह सुबह आना पड़ता था और शाम के टाइम मेरी बारी आती थी, यहाँ पर तो मेरी बारी यानी कि आधे घंटे के अंदर ही आ गई। मतलब ट्रैफिक पुलिस का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, आप बहुत सराहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप टेस्ट देकर आए हैं ई साइन टेस्ट, ये आपके लिए कितना मुश्किल था या कितना आसान था, कंफ्यूज तो नहीं हुए? नहीं नहीं सर, ये बहुत ही आसान हुआ, पहले ज़्यादा मुश्किल था सवाल का, मैं पहले भी फेल हुआ हूँ, 2019 का फंसा हूँ,
लेकिन इस बार आसान है, इसलिए इस बार पास हो गए। मतलब कि आपको जो है ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं है टेस्ट देने में, ये ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो एक आसानी पैदा की है लोगों के लिए कि वो आएँ और ये टेस्ट दें। जी मुझे बताइए, जो आप ई साइन का जो टेस्ट है अभी अभी जो देने आए हैं, वो ये कितना आसानियाँ पैदा करेगा आवाम के लिए, लोगों के लिए, और ये ट्रैफिक पुलिस ने जो है इनिशिएटिव अच्छा लिया लोगों के लिए? जी ये तो बहुत अच्छा सेटअप दिया है। पहले होता था कि कोई आता था बोलता था मुझसे जल्दी जल्दी में पूछा, जो मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन अब उसके सामने सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो अपने बिहाफ पे टाइम के सोच समझ के सवालों के जवाब दे सकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सिस्टम किया है इन्होंने। तो जो पुराना सिस्टम था ये उससे बहुत बेहतर है? बहुत बेहतर है। इस पर जो है इतनी जो है वो खबारी नहीं है और इतनी परेशानी नहीं है लोगों को, और लोग जो है वो आसानी से इजीली टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। पहले रेटिंग आती थी 20% 100 में से पास होते थे, अब आई थिंक 70-80 होंगे। जी हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद हैं जो अभी अभी ई साइन का टेस्ट देकर आए हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि ये टेस्ट कितना आसान था, क्या ये कन्फ्यूज़ तो नहीं हुए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप टेस्ट में पास हो गए? बिल्कुल पास हो गए। ये टेस्ट जो है कन्फ्यूजिंग तो नहीं था? नहीं, बहुत ईजी टेस्ट है। इनफैक्ट मतलब एक खुद ही सेल्फ गाइडिंग टेस्ट है, आपको पता, जिसको थोड़ा बहुत ही पता साइंस वगैरह का वो आराम से पिक्चर्स देख के बता सकता था क्या चीज़ क्या है। कितने सेकंड का टेस्ट था? टोटल 120 सेकंड का था। और कितने एमसीक्यू सॉल्व करने थे? 120 सेकंड में 10 एमसीक्यू। मुश्किल तो नहीं था? नहीं, आई थिंक मैंने 30 सेकंड में कर लिया। 30 सेकंड में कर लिया। अच्छा ये बताएं कि अगर आपका पहले एक्सपीरियंस हुआ हो टेस्ट देने का, या आपके फैमिली में किसी एक्सपीरियंस हुआ हो टेस्ट देने का, तो वो टेस्ट जो पहले होते थे ट्रैफिक के लिए, ये उससे कितना डिफरेंट है? क्या ये आवाम के लिए मददगार हो सकता है? इनफैक्ट मैं कई सालों से लाइसेंस बनवा नहीं पा रहा था, क्योंकि जॉब वगैरह होती थी, वो होता था, तो इतना टाइम नहीं मिलता था कि लंबी लंबी लाइनें हो, टेस्ट का वेट हो, फिर उसमें 10 किस्म के और मसले होते थे। तो इसकी वजह से ना अब सारा बहुत इजी हो गया, मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली है, मेरा टाइम पे टेस्ट हुआ है, ऑनलाइन मैंने सारा भरा है, 30 सेकंड उसमें लगे हैं, और अब मेरा ड्राइविंग वाला। मतलब ये ट्रैफिक पुलिस का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे मतलब बहुत से लोग जो नहीं बनवाना चाह रहे थे लेकिन बनवा नहीं पा रहे थे, वो लोग भी अप्लाइसेस पे, मतलब आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं और भी डिजिटलाइज होना चाहिए जितना ज़्यादा हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। जी जैसा कि आपने देखा, टेक्नोलॉजी का एक और शहकार ई साइन टेस्ट की सूरत में, जिससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, जो लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है, और लोगों ने अपनी राय का भी इजहार किया, ये भी आप लोगों ने देखा, हमने आपको इतने इस प्रोग्राम में दिखाया। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ुबैर शारिक, सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ, अलविदा।